हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हम आप सभी के साथ में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एप्पल के एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे पास में है एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, जो कि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगवाए थे, जो कि फाइनली हमें आज जो है डिलीवर हो चुके हैं सक्सेसफुली। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि ओवरऑल दोस्तों जो पैकेजिंग है हमारे एयरपॉड्स प्रो की सेकेंड जनरेशन की, वो इस टाइप की है। तो चलिए हम फटाफट इनको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे एयरपॉड्स कैसे हैं। तो अगर अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी दोस्तों बड़ी पैकेजिंग में हमें अपने एयरपॉड्स प्रो डिलीवर किए गए हैं अमेज़ॉन की तरफ से। और ये हमने जो है 18,999 रुपीज़ के परचेज़ किए हैं। आप दोस्तों 19,000 समझ सकते हैं, ओनली 1 रुपीज़ ही कम है। और इसका मैं आपको अभी इनवॉइस भी दिखा दूंगा। और ये आप गाइस देख सकते हैं कि इस टाइप की दोस्तों ओवरऑल पैकेजिंग थी। ऊपर दोस्तों पॉलीथीन कवरिंग वाली पैकेजिंग थी, अंदर से कुछ दोस्तों हार्ट जैसा है। चलिए हम इसको खोल देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी दोस्तों बड़ी पैकेजिंग है हमारे एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन की। हाथ से खुल नहीं रहा था, अब मैं यहाँ पे इसको खोलने के लिए कटर का यूज़ करूँगा इसकी पैकेजिंग को। और काफ़ी दोस्तों ये जो पॉलीथीन है वो हार्ड है, अब जाके खुली जब मैंने यहाँ पे कटर लगाया। खैर दोस्तों, अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो काफ़ी सिक्योरली डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए अमेज़ॉन को काफ़ी दोस्तों मेरी तरफ से थम्स अप है। और ये आप ओवरऑल देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, अंदर एक बॉक्स भी हमें मिला है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर हमारे एयरपॉड्स जो हैं वो कैसे हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये amazon.in का हमारे पास बॉक्स भी डिलीवर हुआ है। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं, अमेज़ॉन अगर चाहता तो इसी में ही डिलीवर कर सकता था, लेकिन इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल पैकेजिंग दोस्तों इंक्लूड कर दी, जिससे हमारे प्रोडक्ट की और ज़्यादा सेफ्टी हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट से अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। और अब मैं इसको चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खोलता हूँ। खोलते ही मुझे दिखाई दे रहा है मेरा इनवॉइस, और जो कि देखकर मेरी दोस्तों जो हार्ट बीट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 19,000 रुपीज़ मैंने जो है परचेस किया है। और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोस्तों रिबन क्यों इन्होंने दिया है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो है 18,999 रुपीज़। और आप क्लियरली देख सकते हैं इसके ऊपर जो प्राइस है वो मेंशन है, जबकि मैंने इन्हें जो है अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में परचेस किया था। और मुझे पता नहीं क्यों इनके रिबन दे देते हैं। खैर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको ये रिबन मिला हो बॉक्स के अंदर? और ये अब आप लोग फाइनली हमारे एयरपॉड्स प्रो देख सकते हैं, जो कि अब हमारे हाथ में आ चुके हैं एप्पल के एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरे पास में है एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है इन एयरपॉड्स प्रो की। और एयरपॉड्स प्रो में ये सील, अब पहले जो होता था ये एयरपॉड्स प्रो जब मैंने नॉर्मल वाले लिए थे, मुझे याद कुछ कुछ आ रहा है कि उनके बॉक्स के ऊपर जो है कवरिंग चढ़ी होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने एप्पल ने जो है कवरिंग हटा दिया है इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। और इन्होंने जो है सील जो है यहाँ पे दे दिया है। जब तक आप इन सील को गैस नहीं खोलेंगे, तब तक आपकी ये एयरपॉड्स प्रो नहीं बाहर आएंगे। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस सील को हटाना होगा। सील को हटाने से पहले आप सभी को हम दिखा देते हैं ओवरऑल बॉक्स पे जो है एयरपॉड्स प्रो की ब्रांडिंग है।
और सामने एयरपॉड्स प्रो बने हुए हैं, और इनका जो मेड इन चाइना मॉडल है ये हमारा, डिजाइन बाई एप्पल कैलिफोर्निया, ये इसका गया सीरियल नंबर है एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 26,900 रुपये, और इसका जो मंथ एंड ईयर है मैन्युफैक्चरिंग का वो जुलाई 2023 है। वायरलेस ईयरफोन्स हैं हमारे, और 1 ईयर की वारंटी के साथ में आते हैं दोस्तों। और ये आप गाइस देख सकते हैं कि ये हैं हमारे एप्पल के एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, और इनका ये दोस्तों है बिल, आप दोस्तों बिल देख सकते हैं, 18,999 ओनली, यानी कि 19,000 रुपये के ये हमारे एयरपॉड्स प्रो है। ओवरऑल दोस्तों जो एयरपॉड्स प्रो आते थे वो फर्स्ट जनरेशन आते थे, इस बार मुझे ये सेकेंड जनरेशन जो है, मैंने इस बार सेकेंड जनरेशन खरीदे हैं। और ये भाई दोस्तों एप्पल की तरफ से कोई स्पॉन्सर प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है, इनको मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय किया है, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती है तो मुझे एक अच्छे माइक वाले ईयरफोन्स की ज़रूरत थी। सो ये दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा सा बॉक्स जो है ये दबा हुआ है, मे बी अंदर हमारे एयरपॉड्स जो है सही सलामत हों। ये आप दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स ओवरऑल कुछ इस टाइप का है, एयरपॉड्स प्रो 2 सेकेंड जनरेशन का हमारे, 26,900 MRP है, लेकिन हमें ये ऑफर पे मिले हैं क्योंकि हमने इनको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़ॉन की जो सेल आती है उसमें बाय किया था, 18,999 रुपये के हमें ये एयरपॉड्स प्रो मिले हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि एयरपॉड्स प्रो के दोस्तों आउटर पैकेजिंग पे सारी डिटेल्स मेंशन है, ये चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है और दोस्तों जो मॉडल नंबर है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, और इसका जो सीरियल नंबर है इससे आप दोस्तों एप्पल की वेबसाइट पे चेक coverage.apple.com पे दोस्तों वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि इसकी दोस्तों जो वारंटी है वो कब तक वैलिड रहेगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो एयरपॉड्स प्रो हैं इनकी दोस्तों ग्लोबल वारंटी है, ऐसा नहीं कि ये इंडिया में ही दोस्तों रिपेयर या फिर रिप्लेस होंगे, ये दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे आप दोस्तों सर्विस को क्लेम कर सकते हैं जब तक दोस्तों आपके पास इनवॉइस है 1 ईयर मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए, आप दोस्तों एलिजिबल हैं किसी भी सर्विस सेंटर पे विज़िट करने के लिए। और मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप दोस्तों जो है एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन की जगह पे सेकेंड जनरेशन ही दोस्तों जो है वो लीजिएगा, बिकॉज़ जो सेकेंड जनरेशन की ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। सो चलिए मैं इसकी दोस्तों जो अनबॉक्सिंग है वो स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ गाइस, इसकी जो सील है वो हमने हटा दी है, फ़िलहाल इसके अंदर जो है हमें 2 सील्स दिखती हैं, एक ऊपर और नीचे, और सील दोस्तों बड़े आराम से दोस्तों ब्रेक हो जाती है। और दोस्तों ये जो है वो ओरिजिनल दोस्तों एप्पल के एयरपॉड्स प्रो को अनबॉक्स करने का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस करवाता है। और ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के कि हमारे एयरपॉड्स प्रो जो है वो अंदर फ़िलहाल कैसे दोस्तों जो है पैक होते हैं। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, डिज़ाइन बाई एप्पल कैलिफोर्निया, और यहाँ पे इसका यूज़र मैनुअल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आप सभी को। तो आप गाइस इसको फ्री टाइम में बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल फिर अंदर हमको आपको देखने को मिलता है ये हमारे एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, जो कि दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन दोस्तों टच करने से फील हो रहे हैं, बिल्कुल प्रीमियम। और साथ में नीचे देखते हैं तो हमको मिल जाती है डेटा केबल, और ये है लाइटनिंग टू टाइप सी डेटा केबल। आजकल दोस्तों जो एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन का मॉडल है वो C2C USB पोर्ट के साथ में भी आता है, तो मैंने जो है लाइटनिंग वाला ही लिया है, क्योंकि दोस्तों ऑडियो में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोस्तों जो है केस के कनेक्टर में ही सिर्फ चेंज किया गया है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप आईफोन 15 यूज़ करते हैं तो आप दोस्तों जो है टाइप सी वगैरह ले सकते हैं, फ़िलहाल मैं आईफोन 12 यूज़ करता हूँ।
इन एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन को यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे हमको मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, और इनको मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दोस्तों मिलते हैं 6, जी हाँ गाइस 6 मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, एक्सेस एस और गाइस एल। जी हाँ गाइस, जिनके बड़े कान हैं वो दोस्तों एल का यूज़ कर सकते, मीडियम कान है तो एस का यूज़ कर सकते, जिनके छोटे कान हैं या वो एक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों आपको जो भी कंफर्टेबल फील हो वो आप यूज़ कर सकते हैं इन ईयरबड्स में, इन ईयर टिप्स को लगाने के लिए। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारी केबल थी, और जो मेन एयरपॉड्स हैं वो हमारे यहाँ पे रखे हुए थे। ओवरऑल दोस्तों जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी थी, और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे एप्पल का। और बस ये है कि ये जो प्राइस है 18,999, ये वर्थ इट है या नहीं, तो ऑडियो की कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो ये बिल्कुल वर्थ इट है, बट दोस्तों एक बजट के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव है, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे कई सारे जो है एयरपॉड्स, ईयरपॉड्स वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें आ जाती, लेकिन दोस्तों क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है एप्पल ने, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारा दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पे एक बज़र मिलता है जिससे आप अपने एयरपॉड्स को ईज़िली लोकेट कर सकते हैं, कि इनकेस अगर आपके एयरपॉड्स जो है कहीं रख दिए आपने और खो गया, इनकेस तो आपको इसमें बज़र मिल जाता है, तो बज़र को दोस्तों आप बीप करके अपने एयरपॉड्स को लोकेट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको गाइस जो है टच सेंसर्स भी मिल जाते हैं लेफ़्ट एंड राइट एयरपॉड्स में यहाँ पे, यानी कि जब आप एयरपॉड्स को दोस्तों म्यूज़िक सुनते समय यूज़ करते हैं तो आपको इन केस आपका फ़ोन कहीं दूर रखा है तो बिना फ़ोन का वॉल्यूम बटन दबाए ही आप दोस्तों इजीली टच सेंसर्स को दोस्तों स्वाइप करके अप एंड डाउन करके दोस्तों वॉल्यूम को इनक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों जो है कॉल फीचर का भी ऑप्शन मिलता है, आप टैप करके ईज़िली दोस्तों साइड बार पे कॉल को रिसीव कर सकते हैं और टैप करके कॉल को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा इन एयरपॉड्स प्रो का। और इसके साथ ही साथ इनका जो बैटरी लाइफ है वो भी एयरपॉड्स प्रो के फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर एयरपॉड्स प्रो परचेस करने का मूड बना रहे हैं तो एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन भी परचेस करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वर्थ इट है। थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेगा बट दोस्तों इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, इसके अलावा इसका जो म्यूज़िक एंड ऑडियो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस, मैं इसको अब दोस्तों साइड में रखता हूँ और आपको दोस्तों इसका म्यूज़िक जो है मैं सुन के बताता हूँ कि मुझे इसका म्यूज़िक पर्सनली कैसा लगा। और वैसे मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, और मैं इसका जो वीडियो है वो मैं थोड़ा सा लेट में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो इसका टेस्ट करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को दोस्तों रिव्यू करने से पहले, तो मैं जो है इसको यूज़ कर चुका हूँ फिर तभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ तो आपके सामने भी एक बार टेस्ट जो है ज़रूर करके दिखा दूँगा कि टेस्ट में ये कैसे हैं। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने एयरपॉड्स प्रो को ओपन कर लिया है। ये आप गाइस देख सकते हैं कुछ इस टाइप के एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन हमारे होते हैं। जैसे ही आप इनको खोलते हैं आपको दोस्तों ग्रीन कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, और जैसे ही आप लेफ्ट या फिर राइट एयरपॉड्स को निकालते हैं फिर से ये लाइट दोस्तों चार्जिंग केस में ब्लिंक करती है। इसका मतलब अगर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब कि आपने जो लेफ्ट या फिर राइट एयरपॉड्स निकाला है तो इसका मतलब ये है कि वो अगर ग्रीन लाइट जलती है तो इसका मतलब वो चार्ज है, रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब वो चार्ज नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिकली जो है चार्जर में इनको दोस्तों प्लग इन करना होता है, ये ऑटोमेटिक आपके चार्ज हो जाते हैं।
और म्यूज़िक वाइज दोस्तों बताऊँ तो बहुत अच्छा है। मैंने इनको दोस्तों नॉइज़ कैंसलेशन पे सुना है, नॉइज़ कैंसलेशन इनका बहुत अच्छा है, आसपास की नॉइज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती है और ट्रांसपेरेंसी मोड में भी आप इनको चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें स्पेशलाइज ऑडियो का भी फीचर है, यानी कि अगर आप मूव करते हैं तो आपका जो म्यूज़िक है वो आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों वो एडजस्ट होता है, जैसा एनवायरनमेंट होगा उस अकॉर्डिंग। तो काफ़ी दोस्तों अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपको बिल्कुल दोस्तों इन्हें बाय करना चाहिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और काफ़ी दोस्तों ये कंफर्टेबल है, आप दोस्तों इनको गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और या फिर आप दोस्तों इजीली नॉर्मल यूज़ के लिए दोस्तों इन एयरपॉड्स को यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बस इतना ही कहना है कि गो फॉर इट, यू कैन बाय दिस एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वेट, बाय इट नाउ। और ये आप गैस देख सकते हैं कि इस टाइप से अगर मैं इनको दोस्तों अप करता हूँ तो मेरा म्यूज़िक दोस्तों जो है वॉल्यूम का बढ़ता है, और इसके अलावा मैं इसको डाउन करता हूँ तो मेरे म्यूज़िक का वॉल्यूम जो है वो घटता है। ये चीज़ मुझे फीचर कमाल का लगा। और इसके अलावा दोस्तों जो इनका दोस्तों डिज़ाइन है वो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा कंफर्ट देता है, आप इनको घंटों तक दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि इनको दोस्तों आपको जो है सिर्फ इसमें रख देना होता है चार्जिंग केस में, और ये आपकी एयरपॉड्स प्रो आराम से चार्ज हो जाते हैं, और चार्जिंग का बैकअप टाइम भी इनका काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं चार्जिंग केस का, यहाँ पे आपको बजर मिल जाता है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्पीकर भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।